वैसा फल पार्टी ने हमारे को नहीं दिया। हम केवल सम्मान के भूखे हैं। पार्टी को हमारे को सम्मान देना चाहिए। जितना हम काम करते हैं उतना ही हम सम्मान पाने की सब लोग उम्मीद करते हैं। 2018 के अंदर आप सब लोग हजारों की संख्या के अंदर आसन गए। हमने टिकट मांगा, हमारे को टिकट नहीं मिला। एक कारण विशेष से कि आनंद पाल जी का एनकाउंटर हो गया, एक टिकट हमारे को देना पड़ेगा, वो आसन से देना पड़ेगा। और अब की बार हम आपको चुनाव लड़ाएंगे और 2023 में हम आपको टिकट देंगे। ये पार्टी ने मेरे से वादा किया था। हमने जब्बर सिंह जी को जिताया, जब्बर सिंह जी का सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे गुजरात में भेजा, चाहे उत्तर प्रदेश में भेजा, चाहे और किसी जिले में भेजा, हमने पार्टी का काम किया। मगर 2023 के अंदर मेरे परिवार के अंदर, मेरे पूरे खानदान के अंदर भगवान ने बहुत बड़ी हमारे को क्षति दी। हम एक महीने तक हमारे घरों के अंदर बैठे थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को हमारे पर दया करनी चाहिए थी, हमारा सहयोग करना चाहिए था, मगर पार्टी ने हमारा सहयोग नहीं किया। मैंने जिस पार्टी को 25 साल से ईमानदारी से मैंने कोई बेईमानी नहीं की, कभी हमने चोरी नहीं की, हमने कभी झूठ नहीं बोला था। हमने इस गुलाबपुरा के अंदर और इस क्षेत्र के अंदर हमने ईमानदारी से गरीबों की सेवा करने का काम किया था। मगर मित्रों, हमारे को उस सेवा का फल नहीं दिया। मगर मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि मैंने 25 मिनट भी जिस पार्टी की सेवा नहीं की, मुझे हनुमान बेनीवाल जी ने फोन किया, अरे धनराज कौन से चक्कर में पड़ता है, मेरा टिकट तेरे लिए तैयार है। और मैं गया और एक घंटे के अंदर मेरा सम्मान कर टिकट देकर मेरे को दे। छत्तीसी कौम के व्यक्ति जिन्होंने मेरे को आकर कहा था कि धनराज कब तक इंतजार करेगा, तेरे को चुनाव लड़ना चाहिए। हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे, कालास में इकट्ठे हुए थे। मैंने 30 साथियों की कमेटी बनाई थी और रायड़ा के अंदर उस 30 साथियों की कमेटी ने यह कहा था, किसी भी सूरत के अंदर तेरे को चुनाव लड़ना है, हम 36 कौम के व्यक्ति तेरे साथ खड़े रहेंगे। तो मित्रों, उन सब लोगों के आदेश से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और आप सब लोग, 3 दिन पहले आपने मेरा फॉर्म भी भरवा दिया था, उस नामांकन रैली के अंदर आप सब लोग आए। वो रैली नहीं थी, वो आसन के अंदर एक रैला था और आपने सब लोगों को बता दिया कि जनता की ताकत क्या होती है। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आज मैं 2 दिन से मैं होड़ा तहसील में जनसंपर्क में घूम रहा हूँ, आसन तहसील के अंदर भी मैं गया। मैं 25 साल से मैं विधानसभा के लोकसभा के चुनाव में मैं गांवों के अंदर घूमा, मगर जो गांव के गांव 5-5 घंटे में लेट हो रहा हूँ, इतना लोग स्वागत कर रहे हैं। 36 कौम के लोग इकट्ठे होकर पूरे गांव के गांव, मैंने 25 साल में ऐसा स्वागत कहीं नहीं देखा जैसा तुम्हारे बेटे का स्वागत देखा। मैं इतने की प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तुम्हारा गांव का भाई और तुम्हारा गांव का बेटा हूँ। इसलिए तुम्हारे भाई पर दया करना, तुम्हारे इस गांव के बेटे के ऊपर दया करना। और मैं आपको उस चार बजा जी के मंदिर के सामने मैं तुम्हारे को भरोसा दे रहा हूँ कि मेरे को भी इसे मन में है कि चार बजा जी महाराज हमारे को बहुत अच्छे वोटों से जिताएगा, ऐसा मेरा हमारे को विश्वास है। मगर हमने कांग्रेस को भी देखा, हमने बीजेपी को भी, हमने जब्बर सिंह जी को भी देखा, हगामी लाल जी को भी हम 30 साल से देख के आ रहे हैं। मगर एक बार हमारे बेटे को अतमार के देखो, एक भरोसा दे रहा हूँ, आपके मान सम्मान मेरा आपके काम में मैं कभी कमी नहीं आने दूंगा। आपको पता है कि इसी का नगर पालिका के अंदर आपने मेरे को चेयरमैन बनाया,
इस छोटी सी नगर पालिका को मैंने राजस्थान के अंदर नाम किया, मैंने ये सब गुलाबपुरा के अंदर काम किया। मैंने कभी भेदभाव नहीं बरता कि तू कांग्रेस का है, तू बीजेपी का है, तू किस जाति का है, तू किस धर्म का है। मैंने ये से भेदभाव नहीं किया। मैंने गुलाबपुरा में सेवा करने का काम किया। मैं तो इतने की प्रार्थना कर रहा हूँ, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे और 25 तारीख के दिन के पहले पहले आप अपने सगे संबंधियों को, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वाले को फोन करके उनको कहना कि इस बार बोतल के अंदर वोट देने का काम करो और तुम्हारे भाई को विधानसभा में भिजवाने का काम करो और तुम्हारा बेटा विधायक बनेगा। और मैं भरोसा दिलवा रहा हूँ कि तुम्हारे ये 25 तारीख के दिन तक जितना पसीना गिरेगा, 5 साल तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा अपना खून तुम्हारे लिए तैयार रखेगा। मेरे पर भरोसा रखना, मेरे पर विश्वास रखना। और आज सब लोग मेरे साथ है और सारी क्षेत्र की जनता, आज सिंध के अंदर बहुत बड़ा तबका, आज सब जातियां अलग अलग सम्मेलन करके, अलग अलग जातियां महापंचायत बुलाकर जाधव के ऊपर बैठकर ये निर्णय कर रही है कि इस बार हमारे भाई किसान के बेटे को, धनराज गुर्जर को, हमारे को वोट देना है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, और आप सब लोगों को पता है अभी एग्जिट पोल के ऊपर रोक लगा रखी है। इसको लगा रखी है मीडिया के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, ये से 4 स्तंभ है, इन पे कभी रोक नहीं होती। मगर रोक इसलिए लगा रखी है कि इस बार ना तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना बीजेपी की सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तो हनुमान बेनीवाल के समर्थन से बनेगी, बाकी नहीं बनेगा। मित्रों, 5 दिनों भाषण दे तो था क्यों? तो हमारी प्रार्थना है कि आप सब लोग केवल आप कटे में निकल लो भाई, सभा में कोई कभी नहीं आने दूंगा। धन्यवाद, बहुत बता को चालू करो।